खबर कानपुर से। 48 वर्षों का अवैध कब्जा तहसील प्रशासन ने मुक्त कराया। पुखराया नगरपालिका चेयरमैन ने कर रखा था सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। नेशनल हाईवे के किनारे करोड़ों रुपए की बेश कीमती जमीन पर यह कब्जा करा हुआ था। अवैध कब्जे को लेकर चेयरमैन पर 25,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शिकायतकर्ता ने 2018 में कोर्ट में कई चेयरमैन के द्वारा अवैध कब्जे की शिकायतें दर्ज की थी। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने जांच कर दिए। अवैध कब्जे का मुक्त कराने का निर्देश भोगनपुर उप जिला अधिकारी दीपाली भार्गव ने अवैध कब्जे पर चलवाए बुलडोजर। शिकायतकर्ता ने कहा, सत्य की हुई जीत। पुरखावा नगर पालिका की सरकारी जमीन पर चेयरमैन ने अवैध कब्जा करा हुआ था। मैम, आज आपकी तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा, क्या पूरा मामला है? इस जमीन के संबंध में अवैध कब्जेदार श्री सत्यप्रकाश शंकर जी, सना फुलारे लाल जी की 2 नवंबर 2020 को कोर्ट में गिरफ्तारी की गई थी, और शासन के लगातार निर्देशों और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में आज यहाँ पर मौके पर बेदखली की जा रही है। इन पर जुर्माना भी आरोपित किया गया है, जो कि 8 अगस्त तक इसकी क्षतिपूर्ति वसूली पर हम लोग कार्रवाई संपूर्ण करेंगे। अच्छा, करीब कितना जुर्माना इसमें लगाया गया था? लगभग 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। 5 बिस्वा ये जमीन है मौके पर, करोड़ों की जमीन बताई जा रही है, और आज राज्य सरकार की भूमि पर कब्जा पुनः प्राप्त कर लिया।